बसमिलहिम आई सी एस टू कम्प्यूटर साइंस चैप्टर नंबर फोर स्ट्रक्चर एंड लेक्चर नंबर थ्री डियर स्टूडेंट आज हम लोगों ने नेस्टेड लूप के बारे में डिस्कस करना है नेस्टेड लूप इम्पोर्टेंट है ठीक है ना जिसमें फॉर लूप वायल्ड लूप डू वायल्ड लूप को ही हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन इसका प्रोसीजर क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं डेफिनेशन देखते हैं पहले अ लूप इनसाइड अनदर लूप एक लूप के अंदर कोई और लूप जिस तरह ये एक फार लूप है इसके अंदर एक और फार लूप हम लोगों ने एंटर किया है तो ये जो कम्बिनेशन बनता है ये हमारे पास नेस्टेड लूप बनता है ठीक है ना अब ज़रूरी नहीं है कि एक लूप के अंदर एक ही लूप होगा एक लूप के अंदर मल्टीपल जैसी लूप्स हो सकते हैं

या फिर फायर फार लूप के अंदर वायल और डू वायल लूप को हम लोग जो है वो नेस्ट कर सकते हैं एग्जांपल देखते हैं इससे आप लोगों को जो है ना वो क्लियर जो है वो समझ आ जाए जाएगी द फॉलोइंग प्रोग्राम डिमॉन्सट्रेट द यूज ऑफ नस्ट इट फार लूप इनसाइड एनदर फार लूप ठीक है ना फार लूप है उसके अंदर हम लोगों ने एक और फार लूप को नेस्ट किया हुआ है ठीक है ना इस तरह देखें आई और जे दो हम लोगों ने वेरिएबल लिए हैं ये आई जो वेरिएबल है ये आउटर लूप के लिए लिया है और ये जो जे वेरिएबल है ये हम लोगों ने इनर लूप के लिए लिया है अच्छा ये आप लोगों ने बात याद रखनी है कि हर लूप की अपनी एक स्पेसिफिक बॉडी होती है ठीक है ना और ये जो नेस्टेड लूप है इसका प्रोसीजर क्या है कि आउटर लूप की फर्स्ट एट्रैक्शन आउटर लूप में आई इक्वल टू वन एक दफा आउटर लूप चलेगा तो जो इनर लूप है उसकी कम्प्लीट एट्रैक्शन यानी कि इनर लूप कहाँ तक जा रहा है अलेवन ठीक है ना आउटर लूप एक दफ़ा चलेगा तो इनर लूप जो है जी वो अलेवन टाइम अपनी ट्रांजेक्शन कम्प्लीट करेगा जब ट्वेल्थ टाइम उसकी ट्रांजेक्शन होगी तो आप लोगों के पास जो है जी वो कंडीशन पास हो जाएगी तो कंट्रोल इनर लूप में से बाहर आके दोबारा आउटर लूप में इंक्रीमेंट करेगा आई प्लस प्लस आई की वैल्यू वन थी तो अब आई की वैल्यू टू हो जाएगी दोबारा कंडीशन ट्रू मिलेगी तो दोबारा इनर लूप अपनी अलेवन ट्रांजेक्शन जो है जी वो पूरी करेगा ठीक है ना तो ये इसका प्रोसीजर ये है इसकी ये नीचे डिटेल लिखी हुई है ये और इसकी इस प्रोग्राम की आउटपुट भी लिखी हुई है आप लोग जो है ना अपनी बुक में से इसकी आउटपुट देखना इसमें दोबारा से मैं आप लोग को बता दूं कि आउटर की फर्स्ट फर्स्ट आइट्रेशन इनर की कम्प्लीट आइट्रेशन यानी कि आउटर वन टाइम चलेगा तो ये जो इनर लूप है यहाँ पे अलेवन टाइम चलेगा जब टर्ल टाइम होगा तो कंडीशन फाल्स हो जाएगी तब दोबारा आउटर जो है जी वो सेकेंड टाइम चलेगा ठीक है ना तो ये इसका ये प्रोसीजर है नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल कुछ देखते हैं आप लोग को जो है इसके बारे में समझ आएगी देखें <coughs> ये एक प्रोग्राम है uh, प्रोग्राम द फॉलोइंग प्रोग्राम डिमॉन्स्ट्रेट द यूज ऑफ नेस्टेड फॉर लूप इन साइड लूप फॉर प्रिंटिंग द फॉलोइंग पैटर्न अच्छा देखें इसमें हम लोगों ने ऊपर जो है जी वायल लूप है आउटर लूप हमारे पास कौन सा है वायल लूप का है और जो इनर लूप है वो हमारे पास कौन सा है फार लूप का है तो वायल्ड लूप को हम लोगों ने किस वायल्ड लूप में नेस्ट किस को किया जी फार लूप को ठीक है ना तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है कम्प्लीट ये नेस्टेड का स्ट्रक्चर है ठीक है ना नेस्टेड लूप का स्ट्रक्चर है कि एक लूप के अंदर हम लोगों ने दूसरे लूप को जो है जी वो नेस्ट किया ठीक है ना इसमें ये एक सीरीज है ये एक पैटर्न है ये हम लोगों ने जो है जी ये पैटर्न जो है जी वो लूप की मदद से जो है इसकी आउटपुट हम लोगों ने डिस्प्ले करवानी है ठीक है ना n और k हम लोगों ने दो वेरिएबल लिए हैं n को हम लोगों ने वन से इनिशलाइज़ करवाया है यानी कि जो आउटर लूप है वो वन से स्टार्ट होगा और उसकी ट्रांजेक्शन कहाँ तक जाएगी फाइव तक जाएगी और n हमारे पास प्रिंट हो जाएगा देखें स्टार्ट करते हैं इस लूप को n की वैल्यू वन आ गई वन इज़ लेस देन आर इक्वल टू फाइव कंडीशन ट्रू हो गई तो n प्रिंट हो जाएगा n में क्या पड़ा हुआ है वन तो यहाँ पे वन जाएगी वो प्रिंट हो जाएगा फिर ये ये इनर लूप में एंटर हो गया हमारा कंट्रोल फॉर k 1 k इफ 1 इज लेस देन और इक्वल टू n n क्या है हमारे पास 5 है और k अभी k की फर्स्ट इटरेशन क्या है 1 है 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू हो गई तो k प्रिंट होगा ठीक है ना k क्या प्रिंट होगा हमारे पास 1 प्रिंट होगा नेक्स्ट लाइन पे इससे हमारे पास नेक्स्ट लाइन आ गई 1 ठीक है ना अब जब तक इस लूप की कंडीशन फॉल्ज नहीं होती इस लूप की कंडीशन जब तक फॉल्ज़ नहीं होती ये लूप जो है जी वो चलता रहेगा के में इंक्रीमेंट होगी के की वैल्यू वन थी तो अब के की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास टू हो जाएगी यहाँ से दोबारा कंडीशन चेक करेगा टू इज लेस देन आर इक्वल टू एन एन क्या है हमारे पास फाइव है यहाँ पर दोबारा जो है जी वो कंडीशन उसको ट्रू मिल गई तो के जो है जी वो हमारे पास सॉरी एन की जो वैल्यू है वो हमारे पास वन है ठीक है ना एन की वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू थी ना वो हमारे पास वन थी तो के वन आ गया वन इज़ लेस देन आर इक्वल टू एन तो हमारे पास कंडीशन ट्रू आ गई तो हमारे पास जी वो के अपरेट हो जाएगा वन और उसके बाद जाइए स्पेस आ जाएगी फिर एन में इंक्रीमेंट आ जाएगी ठीक है ना एन की वैल्यू ठीक है यहाँ पे दोबारा के में इंक्रीमेंट आएगी के की वैल्यू वन से टू हो जाएगी तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाती है हमारे पास फास्ट हो जाती है जब कंडीशन फास्ट हो जाती है तो आउटर जो वायल लूप है वायल लूप के जो इंक्रीमेंट थी वो एंड में लिखी हुई है एन प्लस प्लस तो ये एन में इंक्रीमेंट आ जाएगी एन की वैल्यू वन थी एन की वैल्यू टू हो जाएगी यहाँ से जो है जी वो वैल्यू कंपेयर होगी कंडीशन ट्रू मिलेगी तो स्पेस के बाद वन के बाद जो जी वो ट्रू पीमेंट हो गया और नेक्स्ट लाइन आ गई अब जी अब हमारे पास के वन से स्टार्ट हो रहा है और एन की जो वैल्यू है वो कौन सी है हमारे पास अब टू है ठीक है ना एन की वैल्यू अब हमारे पास टू आ चुकी है ठीक है तो के वन से स्टार्ट हो गया वन इज़ लेस देन आर इक्वल टू टू कंडीशन क्या हो गई ट्रू हो गई तो के प्रिंट हो जाएगा वन ये थर्ड लाइन पे नेक्स्ट लाइन की वजह से थर्ड लाइन पे आ जाएगा वन प्रिंट हो गया दोबारा तो <laughs> के में इंक्रीमेंट होगी के की वैल्यू वन से के की वैल्यू क्या होगी टू हो जाएगी एन की वैल्यू भी टू ही है कंडीशन दोबारा क्या हो गई नॉट लेस देन बट इक्वल टू टू ठीक है ना दोबारा ट्रू हो गई तो के दोबारा प्रिंट हो जाएगा टू दोबारा के में इंक्रीमेंट होगी के की वैल्यू टू से के की वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री अब के थ्री है और एन जो है हमारे पास टू है तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाती है फाल्स हो जाती है जब कंडीशन फाल्स हो जाती है तो वाइल में इंक्रीमेंट आएगी वाइल लूप का जो ये एन प्लस प्लस है एन की वैल्यू टू थी तो अब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास थ्री हो जाएगी यहाँ पर थ्री कंपेयर होगा कंडीशन ट्रू मिलेगी सी आउट में ये थ्री हमारे पास प्रिंट हो जाएगा और नेक्स्ट लाइन हमारे पास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी जब नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होगी तो अब के की वैल्यू वन है और एन हमारे पास क्या आ चुका है थ्री आ गया के यानी कि आप कितने टाइम चलेगा तीन टाइम चलेगा ये फार लूप ये जो इनर लूप है ये थ्री टाइम चलेगा ठीक है ना और ये थ्री तक वैल्यूज प्रिंट होंगी तो जब फोर वैल्यू आएगी तो हमारे पास कंडीशन फास्ट हो जाएगी एन में इंक्रीमेंट हो जाएगी एन की वैल्यू जो है वो थ्री से एन की वैल्यू क्या हो गई फोर हो गई जब एन की वैल्यू हमारे पास फोर हो गई तो यहाँ पर कंपेयर होगा फोर इज़ लेस देन आर इक्वल टू फाइव कंडीशन ट्रू मिल जाएगी तो ये वाला फो उस टाइम पर प्रिंट होगा हमारे पास तो ये लूप इस तरह से जो है जी वो चलता रहेगा हमारे पास ठीक है ना कि आउटर की फर्स्ट आइट्रेशन इनर की कंप्लीट आइट्रेशन जब तक कंडीशन फॉल्ट नहीं होती तब तक ये इनर लुपी वो हमारे पास कंटिन्यू रहेगा ठीक है नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं जी हमारे पास राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द प्रोडक्ट कंपोनेंट ऑफ अ नंबर विदाउट रिपीटिंग दैम फॉर एग्जाम्पल इफ द यूजर इंटर ट्वेंटी फोर इट डिस्प्ले टी फिर मल्टीप्लाई वन टू ट्वेल्व मल्टीप्लाई टू एट मल्टीप्लाई बाई थ्री तो ये इस तरह से हम लोगों ने ये आउटपुट जनरेट करनी है ठीक है ना एन आई जे हम लोगों ने तीन वेरिएबल लिए और एक एस वेरिएबल दिए जिसको वन से इनिशलाइज करवाया है यहाँ से यूज़र कोई भी नंबर एंटर करेगा जिस तरह देखें आउटपुट में उसने नंबर एंटर किया है ट्वेंटी फोर ठीक है ना सी आउट में हम लोगों ने क्या लिख दिया प्रोडक्ट कंपोनेंट ऑफ एन आर ठीक है ना ट्वेंटी फोर यूज़र ने जो प्रोडक्ट कंपोनेंट दिए जो नंबर दिए वो क्या दिया है ट्वेंटी फोर दी है, है. यहाँ पर हमारे पास अब ये फार लूप है आउटर और ये वाला जो फार लूप है ये हमारे पास इनर के लिए कि आई जो है जी वो किसके इक्वल है हमारे पास एन के इक्वल है और एन की वैल्यू यूज़र ने क्या एंटर करवाई है ट्वेंटी फोर और आई इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू एस एस क्या है हमारे पास वन यानी कि आई जो है वो ट्वेंटी फोर है चूँकि तो ट्वेंटी फोर इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू वन uh, है और आई में जो है जी वो क्या और हो रही है डिक्रीमेंट हो रही है यानी कि ट्वेंटी फोर से जो है जी वो फिर ट्वेंटी uh, थ्री होगा लेकिन ये बाद में होगा ये इनर लूप जब अपनी अल्ट्रेशन कंप्लीट कर लेगा तो तब इसमें डिक्रीमेंट होगी ठीक है ना जे इज़ इक्वल टू तो वन वन इज़ लेस देन आर इक्वल टू तो एन एन क्या है हमारे पास फ़िलहाल ट्वेंटी फोर है यूजर ने ये एन की वैल्यू जो ट्वेंटी फोर एंटर की यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी तो आई क्रॉस जे प्रिंट होगा आई की वैल्यू थी ट्वेंटी फोर और जे जो जी वो क्या है हमारे पास वन ठीक है ना तो ये ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाई बाय वन इज इक्वल टू एन एन हमारे पास क्या था ट्वेंटी फोर ये इस तरह से फ्रेंट होगा ठीक है ना और ये सी आउट में आई मल्टीप्लाई बाय जे और एन लाइन आ गई ठीक है ये कंडीशन आ गई फिर क्या होगा ये हमारे पास <coughs> एस इज़ इक्वल टू जे प्लस वन जे की वैल्यू वन थी ठीक है ना उसमें प्लस वन करेंगे यानी कि वन वन की इंक्रीमेंट हो रही है ठीक है ना वन प्लस वन टू ठीक है ना तो एस की वैल्यू अब क्या आ गई हमारे पास टू आ गई ये तब होगा जब आउटर लूप इनर लूप में से हम लोग बिल्कुल एंड हो जाएंगे ठीक है ना ये वाली जो है ना इंक्रीमेंट ये आउटर की इंक्रीमेंट है ठीक है ना तब जो है ये दोबारा यहाँ पे आएगा दोबारा जी ये जे में इसी तरह इंक्रीमेंट होगी जे की वैल्यू वन थी तो अब जे की वैल्यू टू हो जाएगी ठीक है ना यहाँ से दोबारा जाए जी वो जे क्रॉस आई करेगा और इक्वल टू एन है तो ये वाली स्टेटमेंट आप लोगों के पास जाएगी वो एग्जीक्यूट होगी यानी कि आउटर की फर्स्ट एट्रेसन इनर की जो जी जब तक इनर लूप में कंडीशन फाज़ नहीं होती ये वाली ये इनर लूप आप लोगों का चलता रहेगा और ये वाली आउटपुट जो जी वो जनरेट होगी आप लोगों को ठीक है थैंक यू जी अल्लाह हाफिज़